नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर अली। बिजनेस आइडियाज़ के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हवाई चप्पल बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हवाई चप्पल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि आप सबको पता है कि हवाई चप्पल बिजनेस करने के लिए आपको मशीन की आवश्यकता होती है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले कि आपको किस तरह की मशीन लेनी चाहिए। यदि आप नए व्यापारी है, इस नए बिजनेस में नए आ रहे हैं, तो आपको किस तरह के बिजनेस की किस तरह की मशीन आपको लेनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आपको तीन तरह की मशीन आती है, जैसा कि आप सबको पता है कि एक पावर प्रेस वाली मशीन आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पावर प्रेस मशीन है, और ये एक मैनुअल मशीन आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनुअल मशीन में भी दो तरह की मैनुअल मशीन होती है। उसे अलग अलग जो इंजीनियर ने अलग अलग तरीके से बनाया है, जैसे बहुत सारे जो मशीन सेलर है खुद से उसको खुद से भी तैयार करते हैं मशीन को। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा इस मशीन के बारे में ही। यदि आप बिजनेस को नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेटल मशीन से ही लीजिए, और पावर प्लस या फिर हाइड्रोलिक मशीन क्यों आपको क्यों नहीं लेना है, इस विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मैनुअल मशीन क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैनुअल मशीन की कीमत थोड़ी सी कम होती है बनिस्बत उसके पावर प्रेस वाली मशीन के बनिस्बत इसकी कीमत थोड़ी सी कम होती है। दूसरी बात की दोस्तों, ये मशीन है, आप नए जब बिजनेस में उतरते हैं तो आपको प्रोडक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, आपको उतना ज़्यादा माल प्रोडक्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नए नए व्यापारी नए नए बिजनेस में आए हैं तो आप थोड़ी कम प्रोडक्शन भी तैयार कीजिएगा, थोड़े कम माल को भी तैयार कीजिएगा पर डे के हिसाब से, तो भी आपका ये बिज़नेस चल सकता है। यदि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि आप नए नए बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, उसी टाइम मैनुअल सॉरी पावर प्रेस वाली मशीन ले लीजिए जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इससे तो ज़्यादा होती है उसकी कीमत, तो आप उस मशीन का इस्तेमाल ना करें। अगर यदि आप मैनुअल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिज़नेस आपका धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, यानी कि बिज़नेस आपका ठीक चल रहा है, तो आपको अगर ये फील हो, अंदर से फील हो कि नहीं अब मुझे दूसरी मशीन की आवश्यकता है, दूसरी मशीन लेनी चाहिए, मेरे प्रोडक्शन की आवश्यकता बढ़ गई है, इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो जाके उस टाइम आप फिर जाके आप पावर प्रेस या फिर हाइड्रोलिक वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों, यदि आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मशीन ले ले रहे हैं पावर प्रेस वाली या फिर हाइड्रोलिक वाली कोई भी, तो आपको घबरा शुरू शुरू में ऐसा भी होता है कि बिजनेस थोड़ा चलने में टाइम लगता है हमें, तो उस वक्त आपका धीरे धीरे पेशेंस थोड़ा सा कम होगा, आपको अंदर से भरोसा टूटने लगेगा, तो आपको भरोसा भी थोड़ा टूटेगा, आपको अंदर से फील भी होगा पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर आपको मशीन की प्राइस की चिंता जाहिर होने लगेगी कि उसके प्राइस भी ज़्यादा है, पता नहीं इसे रीसेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यदि आप वही मैनुअल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा कम होती है, 20,000 25,000 रुपये में मिल जाती है, तो आप उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैड लक आपका बिजनेस ना भी चले तो आपको उतनी घबराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बिजनेस चलेगा ऐसा कोई बात नहीं है, बस आपको सही से रॉ मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल मिलना और उसे ढूंढना सबसे बड़ी बहादुरी की बात है यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो। हवाई चप्पल एक ऐसा बिजनेस है, आप मशीन कहीं भी रहकर इस मशीन को मंगवा सकते हैं, आप घर में बैठे फ़ोन करिएगा मशीन आपके पास आ जाएगा। लेकिन दिक्कत दोस्तों इसमें तब होती है जब इसमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ैन को ऑफ़ कर रखा है इसलिए थोड़ा पसीना भी हो रहा है, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे थोड़ा आपको पैसे से रखने की आवश्यकता होती है, और मशीन के अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, डाई का जहाँ तक बात है कि जिसे कटिंग होती है जिसे हम डाई बोलते हैं, तो आपको डाई भी कैसे लेनी है और किस तरह की डाई लेनी है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, यही इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।